वोटिंग के रिजल्ट्स आए थे तो मार्केट में कंसर्न क्या थी कि अब की बार कोलेशन सरकार और अब की बार कोलेशन सरकार जब होती है तो उसके अंदर कोलेशन के कंपलशन आते हैं हर एल आई की डिफरेंट डिमांड होती है कुछ एल के रीजनल कंपलशन होते हैं तो कुल मिलाकर के जो कोलेशन सरकार होती है उसका जो रुख होता है मार्केट का मानना है कि वह एक पूर्ण सरकार के रुख से अलग होता है ये मार्केट का मानना है मगर जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का फॉर्मेशन जो हुआ है वो देखकर ये खास पता लगता है दैट अब की बार कोलेशन सरकार मगर रिफॉर्म को लेकर के कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इन पॉलिसी कमिटमेंट कंटिन्यूटी आई थिंक इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बिकॉज जो इकोनॉमी का इस समय रुख है उसके अंदर अगर कंटिन्यूटी रहती है तो जो आपका चक्र चल रहा है रिफॉर्म की तरह ग्रोथ की तरह कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के एफ की साइनिंग होने वाली है वो पूरा का पूरा जो चक्र है वह बना रहेगा और शायद इसी बात को लेकर के हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हालांकि पॉलिटिकल नंबर्स एडअप नहीं हुए जो मार्केट चाह रहा था मगर कंटिन्यूटी को लेकर के मार्केट के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है क्या इस न्यूज़ को लेकर के मार्केट के अंदर और उछाल आ सकता है मेरा मानना है शायद वो उछाल नहीं है बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के जो उथल पुथल हुई थी वो हो चुकी है सोमवार को पिछले सोमवार को आप बड़े मंगलवार को ग्रे वेंसडे को आपसे आप ठीक आप हुए थर्सडे फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग हुई और कल हमने देखा शॉर्ट कवरिंग एक प्रकार से ख़त्म सी हो चुकी थी मगर मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि अब आपको तीन भागों में चीज़ों को बांटना चाहिए नंबर वन कहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहेगा कहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा आएगा और कहाँ पर नई चीज़ें आएंगी जो कि अभी छुट्टी हैं मगर बड़ी हो सकती है तो तीन पार्ट में आपको मुझे लगता है कि अब Uh, सरकार की रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी तो कहाँ पर मोमेंटम बनाएगा रोड्स मुझे लगता है कि वहाँ पर मोमेंटम चलता रहेगा पावर वहाँ पर मोमेंटम चलता रहेगा रेलवेज में मुझे लगता है कि रिन्यूड मोमेंटम आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मोमेंटम है वो और पकड़ेगा और कुछ नए सेक्टर्स क्रिएट होंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर एक सेक्टर हो गया या फिर एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर एक हम देख सकते हैं कि शार्पनेस आ सकती है तो इन तीन भाग से मुझे लगता है कि आने वाले आ, सरकार की जो रणनीतियां हैं उनको भापा जा सकता है निकुन सर गुड मॉर्निंग आज एक दूसरा एक ऐसा स्टॉक भी है जहां पर आप मार्केट का मोमेंटम काफ़ी ध्यान में रखे हुए होगा वो वह इंडिगो ब्लॉक लग रहा है सर वहां पे तीन हजार करोड़ का हाथ बदला होगा और डिस्काउंटिंग भी है सर इस पर आपका टेक क्या है ये इससे पहले भी ब्लॉक्स लग चुके हैं बट शेयर रुका नहीं सर देखिए इसके अंदर जो ब्लॉक लग रहा है इंडिगो के दो पार्टनर्स थे और इंडिगो के जो आज ब्लॉक आ रहा जो का जो आज ब्लॉक आ रहा है वो राहुल भाटिया की फैमिली से आ रहा है राहुल भाटिया ने इंडिगो के स्प्लिट के बाद जो पार्टनर्स का जो गंगवाल और भाटिया फैमिली में जो स्प्लिट हुआ था राहुल भाटिया ने उसके अंदर माल अपनी होल्डिंग नहीं रिड्यूस करी थी तो क्या एक चिंता का विषय मार्केट में अक्सर कहते हैं अरे भाई प्रमोटर बेच रहा है नहीं स्टॉक टॉप आउट हो गया मुझे नहीं लगता ऐसा है मुझे जो समझ आ रहा है जो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है जो मैंने इधर उधर से जाना है वो ये है कि राहुल भाटिया की फैमिली कुछ और नए बिजनेसिस इंक्यूबेट कर रही है जिसको जिसके लिए उनको कैश की ज़रूरत है और शायद इसी कारण वर्ष की वजह से ये ब्लॉक डील हो रही है दूसरा इंडिगो जैसा जो बिज़नेस है डिम्पी एविशन बिजनेस है मुझे लगता है कि भी छोटा है और अभी बहुत बड़ा होने वाला है बड़ा नहीं बहुत बड़ा होने वाला है आज फ्लाइंग एक लग्जरी नहीं कहलाई जाती है नए एयर स्ट्रिप्स क्रिएट हो रहे हैं नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं कन्वीनियंस सबको चाहिए उसके अलावा इंडिगो की कंपनी है मैं और जब ने सृष्टि ने एक शो करा था क्या खास है इस कंपनी का तो अगर आप वो बात करें तो सृष्टि वही बात बातें एडअप होती है कि सेक्टर ग्रो कर रहा है कंपनी ग्रो कर रही है एयर इंडिया का उसको असर नहीं पड़ा है एविएशन सेक्टर के अंदर प्राइसिंग पावर आ रहा है क्रूड नीचे है तो राहुल भाटिया साहब अगर बेचो निजीन कारण से भी बेच सकते हैं नया बिजनेसेस भी है एक प्रमोटर तीन चार पांच नए बिजनेसेस इंक्यूबेट करता है प्रमोटर के पास पैसा कहाँ से आता है अल्टीमेटली डिविडेंड से आता है मगर आपको कुछ बड़ा अगर बिजनेस करना है और आपका एक ही बिजनेस है तो हो सकता है कि आप बेच करके थोड़ा उसको कैश आउट कर रहे हैं

लंबी लाइन थी इंडिगो की फ्लाइट ली कौन सी फ्लाइट ली आपने सर फ्लाइट इंडिगो की थी इंडिगो की फ्लाइट थी भी भरी भी थी बिल्कुल भरी हुई थी सर पूरा 97 98 परसेंट लोड फैक्टर था उसमें देखिए अब इस लोड फैक्टर के अंदर क्रूड नीचे आ चुका है एयरपोर्ट्स भर रहे हैं ट्रैवल एक कन्वीनियंस हो चुकी है तो ये सब को मिला करके मुझे लगता है कि सेक्टर के अंदर 12-15 परसेंट की तो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी और नई चीज़ें जब ऐड होती रहेंगी तो और चीज़ें आती रहेंगी तीसरा यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं हो रहा है देखिए एक जमाना आता तो लो कॉस्ट कॉस्टेडलाइन आती थी वो आकर के पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर देती थी वो सेटअप अब नहीं हो रहा है सब पैसा बनाना चाहते हैं और अच्छी बात यह है कि इस समय जो कैप्स हैं वो कैप्स भी नहीं है सेक्टर के अंदर ओके okay, पर निकुंज साहब जी हाँ हम आपकी मेमोरी की दाद देते ही रहते हैं क्योंकि जब हमने शो किया था तो बाईस सौ तेईस सौ ही था, <laughs> था। कि, कि मुझे थोड़े से ऊपर लेवल्स ध्यान <laughs> थे पर जी जी और वहां से रुकने का डबल डबल हो, हो गया जी, था। था। पर बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज साहब हमारे साथ <laughs> हम जुड़ने के लिए और क्या कुछ पूरे पोर्टफोलियो एलोकेशन है बड़े की टेक अवेज है बड़ी थीम्स हैं जो कि आपको नजर में रखनी है और साथ ही इंडिगो के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति देखा के टायर वाली सब में एक मोमेंटम आया है और अगर आप ये देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक नया हाई बना रहा है सो आई थिंक ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए थ्री थाउजेंड का एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें किराना पाया है तो थ्री थाउजेंड के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है

अल्ट्राटेक ग्यारह हजार 600 सौ सौ तक का टारगेट रखें किरण एक बार आप देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट सो अल्ट्राटेक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक ऑल uh, टाइम देखने को मिला है तो जब तक अब दस हजार पचास सॉरी दस हजार सौ का लेवल है वो वोट होता है तो कोई भी टिप आती है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए ओवरऑल हमने कल देखा कि सीमेंट चेक करके अंदर ओ वा, और वॉल्यूम के साथ एक खरीदारी आई है तो यहाँ पे भी हमारा सेम व्यू रहेगा अल्ट्राटेक में दस हजार दो सौ का आप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ग्यारह हजार पांच सौ ग्यारह हजार आठ सौ आप एक दो दिन में देख सकते हो तो डेफिनेटली बायो की सलाह रहेगी